आज भी हम एक नया जगह घूमने निकल पड़े थे। जैसे कि हम सोचते ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं मेरे को ट्रैवलिंग पसंद है, बट स्टिल ट्रैवलिंग इज़ नॉट ईजी। आपको इतनी देर तक रोड साइड, आई मीन बाय कार अगर आपको ट्रैवल करना है तो इतना आसान नहीं है। बट उस ट्रैवल को आपको हैप्पीनेस बनाने के लिए आपको ना इतना सराउंडिंग्स आपको अच्छे दिखेंगे। जैसे कि दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, जैसे कि आपको छोटे छोटे क्लाउड्स और छोटे छोटे पहाड़, आपको ना एक तरह से आपके साथ चल रहे, हमारे साथ, मेरे को तो यही लगा वो हमारे साथ चल रहे हमारा ये जर्नी में। एंड किसी भी डायरेक्शन देखो, हमें ये क्लाउड्स दिख रहे थे एंड देर वॉज लॉट ऑफ ग्रीनरी। मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ और कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे क्लिप्स आपको दिखेंगे, क्योंकि रास्ता ही इतना सुंदर होते हैं कि मतलब बिल्कुल नज़रअंदाज तो बिल्कुल नहीं कर सकते, है ना। सो आप ये व्यू भी एंजॉय कर लीजिए। और आज हम जिस कौन सा जगह पे जा रहे हैं कि आगे आपको पता चल जाएगा, वो डिटेल्स मैं अभी रिवील नहीं करूँगी। हमने छोटा सा ब्रेक लिया, हमने नहीं, हमने कार को भी छोटा सा ब्रेक दिया बिकॉज़ द टेम्परेचर्स वर रियली हाई। तमिलनाडु में थोड़ा सा टेम्परेचर्स थे एंड दैट वाज दशहरा टाइम। सो एंड यहाँ पे एक ना छोटा सा शॉप है, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे जो आइटम्स है जो अंदर रखे हुए हैं डिस्प्ले में। हैप्पीनेस इज़ होम मेड, हैप्पी टॉयज करके हैं शॉप का नाम। सो जब आप अंदर जाएंगे ना तो आपको बहुत अच्छे अच्छे टॉयज दिखेंगे। ऑल दीज वर हैंडमेड, प्राइजेस भी बहुत मतलब रीजनेबल था, बहुत अच्छे लग रहे थे। सो ऐसे टॉयज ना मैंने बचपन में काफ़ी सारे देखे। अगर आप लोगों को ऐसा टॉय शॉप कहीं पर भी दिखेंगे, जैसे कि हैंडमेड या ट्राइबल करके कुछ वो टॉयज भी बनाते, काफ़ी सारी चीज़ें बनाते हैं, प्लीज़ उनको सपोर्ट करिए एंड लेट्स इनक्रीज देम। मिरिंडा मिरिंडा हाँ, छोटा छोटा। सो हेलो, हम ये हमारा लास्ट वीकेंड है बैंगलोर में, तो हमने मिस्टर शाही को बोला भाई हमें कहीं ना कहीं लेके जाओ, और उसको ना दशहरा हॉलीडेज भी हैं। सो हम जा रहे हैं आज मदुरई, और राइट नाउ वी आर इन तमिलनाडु। अगर आपको मतलब जब से मैं बैंगलोर आई हूँ तब से मैं वेट कर रही हूँ, मतलब खाना मेरे को, हाँ बीच, हाँ हम बीच भी जा रहे हैं कल। वो बीच का लोकेशन मैं आपको अभी नहीं बताऊँगी, मैं बाद में बताऊँगी। एंड जब से मैं बैंगलोर आई हूँ तब से मेरे को बनाना लीफ में खाना खाने का बहुत मन कर रहा था। यू नो इट रियली गिव्स यू साउथ इंडियन टच। आज मेरे को तमिलनाडु में मिला है, सी बनाना लेक में आपको खाना मिलेगा। यहाँ पे प्लेट्स भी यूज़ करते हैं बट बहुत कम। सो अभी आपको खाना इसी में सर्व होगा, और वो इसके लिए भी लेके आया बनाना लीफ, बट वो बोला प्लेट प्लेट प्लेट, बट उन्होंने कहा पराठा आप इस परोठा इसी में आप खाओगे। सो लेट्स वेट इसमें क्या क्या खाना आएगा। राइस तो ज़रूर आएगा, पापड़, दाल एंड सांबार, कुछ फ्राई वाला भी आएगा। तो लेट्स सी खाना भी टेस्टी होता है कि नहीं होता है। आपको
आपको जब ये बनाना लीव्स मिलेगा ना, यू हैव टू वॉश, भले वे वॉश होते हैं बट स्टिल यू हैव टू यू नो थोड़ा सा वाटर स्पिल करके आप वॉश कर सकते हैं, जो कि मैं कम्प्लीटली भूल गई थी। मैं एक्चुअली साउथ से हूँ और काफ़ी बार मैंने घर पे भी खाया और यू नो फंक्शंस पे पहले हमें ऐसे ही खाना मिलता था बनाना लीफ में। सो यू नो बहुत अच्छा लगा जब मेरे को ये बनाना लीफ में खाना खाते, बचपन की बहुत सारी यादें मेरे को याद आ गई एंड आई वॉज रियली टच्ड। हाँ, मेरे को दोबारा जाने का मन कर रहा है, मैं कब जाऊँगी। हाय, साउथ में खाने में एक अच्छा कॉम्बिनेशन कहा जाता है इनको, जो कि राइस, ये पाउडर प्लस गरम गरम घी। हाय, इन तीनों को मिला के खाने में जो मज़ा आता है ना, वाओ, मतलब किसी और में पता नहीं आता है कि नहीं आता है, बट इसमें तो ज़रूर आता है। मेरे को इस प्लेस में ना अभी के अभी तुरंत वापस जाने के मन कर रहा है। वाओ, और सरप्राइज दिखाऊं आप लोगों को, फिल्टर कॉफ़ी। ये ऐसे फिल्टर कॉफ़ी होती है एक्चुअली, कटोरी में और ग्लास में डाल के देते हैं, और इसके ऊपर अगर आप देखेंगे, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, ये टेक्सचर बहुत अच्छा लग रहा है। सो बैंगलोर में एक बार पिया था मैंने फिल्टर कॉफ़ी, बट यू नो उन्होंने ग्लास में दिया, नॉर्मल जो ग्लास होता है ना मेरे को अच्छा नहीं लगा। एक्चुअली जो फिल्टर टी होता है वो ऐसे ही होता है, जिसमें ऐसे ही देते हैं। सो अभी टेस्ट देखते हैं कैसा है। खाना तो बहुत अच्छा था, हमें बहुत अच्छा लगा, पेट भर गया, ओवर ईट, आज ओवर ईट हो गया। रास्ते में मेरे को शरीफा भी मिल गए थे, सीताफल 100 रुपीज़ का, मतलब ढेर सारा, मतलब 3-4 किलो उन्होंने दे दिया, एंड वो भी रास्ते पर खा के आए थे। और अभी यहाँ पे खाना, और मतलब ओवर ईट हो गया आज, अभी जाके सो जाऊँगी। सो अभी मैं फिल्टर कॉफ़ी पी के बताती हूँ कैसा है। एक्चुअली ना ये ऐसे डालते हैं, ठंडा करते हैं, ऐसे ऐसे ठंडा करेंगे, फिर ऐसे पिएंगे। खाने के बाद हम अपना डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़े, जो कि हमें मदुरई जाना है 4:30 बजे के आसपास। और इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, यहाँ पे ना मिस्टर सर बहुत जल रहा था, बताऊँ क्यों, इतनी तेज नींद आ रही थी और मैं सो भी गए थे। वो सोच रहा था, एक तो इस लड़की को ड्राइविंग आती नहीं है और ना सीखने भी है, बस एक चीज़ आती है जो कि खाना खा के तुरंत सोना। मतलब इतना जल रहा था, मैंने कहा यार लाइफ तो एंजॉय तो करनी पड़ेगी ना सनी, जो कि मैं कर ही रही थी उस टाइम पे। काफ़ी सारे लोगों ने देखा नहीं होगा, दिस इज़ यूज्ड इन विंड टर्बाइंस, जो कि मेरा पिछले वीडियोस में आप देख सकते हैं विंड टर्बाइंस का कैसे होता है। एंड ये यहाँ पे क्यों इसको लेके जा रहे हैं, दिस इज सस्पेंस, मैं आगे वाला वीडियोस में आपको बताऊंगी। एंड सी इतना लंबा है ना, यू हैव टू बी केयरफुल, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा केयरफुल से चला रहे थे, बहुत धीरे से। मैं आगे बताऊंगी ये क्यों लेके जा रहे हैं और कहाँ लेके जा रहे हैं। साउथ में मतलब फ्लावर्स पहनते हैं, ये मैं अपना बचपन में भी बहुत पहनती थी, खुशबू इतना अच्छा होता है ना, तो क्या बोले, मतलब ये पहन के मतलब यू नो आपका बाल भी इतना अच्छा स्मेल करेंगे। थैंक यू एक्चुअली शी डोंट नो, मतलब इंग्लिश में नंबर्स भी नहीं पता, मतलब शी मतलब उन्होंने हमको 40 रुपीज़ बताने के लिए 10 रुपीज़ की नोट्स 4 दिखाया, और ना हमें तमिल आती है, मतलब कैसे किसी भी तरह, मतलब ये क्या बोलते हैं, एक व्हेन यू आर इन रोम कैसे बिहेव करना चाहिए आपको, बी द रोमन, टू द रोमन ना, जब आप साउथ में है तो आपको साउथ के जैसा ही बनना पड़ेगा। तो मैं ये थोड़ा सा पीछे बाल तो मैंने बांध लिया, मैं सोच रही ये थोड़ा सा मैंने भी लुंगी सिलवाई, लुंगी क्या सिलवाया, लुंगी यार वैसे तुम्हारे पास है लुंगी, तुमको लेके आना चाहिए था, मंदिर में पहने में बड़ा अच्छा लगता है, मीनाक्षी अम्मा टेम्पल में, वो
सो बाय द वे मैंने आप लोगों को पता हम कहाँ जा रहे हैं, हम तो मदुरई जा रहे हैं टू विजिट मीनाक्षी अम्मन टेम्पल। तो अभी हम 4:30 बजे के आसपास पहुँचेंगे। लेट्स सी टेम्पल का टाइमिंग्स क्या होता है। और आज दशहरा के दिन हर जगह पे इन्होंने अपनी शॉप्स सजा के रखे हैं, यू नो बनाना ट्रीज के, और अच्छे अच्छे रंगोली भी बनाया हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। सो मेरे को रास्ते में ना ये टोल प्लाजा के पास मिले हैं, तो मैं ये बांधूंगी अभी। सो बाद में आपको ना जब मैं बांधूंगी, सन्नी थोड़ा से पीछे से वीडियो बनाएगा। हम मदुरई पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। सो जस्ट इस हाईवे से हट के लेफ्ट लेना पड़ेगा एंड हम पहुंचने वाले हैं 1 2 3 गो ये मदुरई। सो दशहरा की भी टाइम था, सो फेस्टिव की इतनी अच्छे से वाइब्स आ रहे थे वहाँ पे जैसे हमने मदुरई में पहुँच गए। इट वॉज नाइस। जब तक हम मदुरई में थे बहुत अच्छा लगा। मैंने जैसे ही इस रोड पे एंटर करी, आई हैव टेकन माय कैमरा एंड स्टार्टेड यू नो कैप्चरिंग द वीडियो। मेरे को यहीं से मीनाक्षी अम्मन टेम्पल का जो गोपुरम होता है ना वो दिख गया। सॉरी गाइज, मेरे को गोपुरम का मतलब नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं। गोपुरम इज विच इज़ एंट्रेंस होता है। मेरी आंखें ना यू नो ईगल वाली आंखें हैं, इसीलिए मेरे को बहुत दूर से दिख गया। आप लोगों को थोड़ा सा दूर जाने के बाद दिखेगा लेफ्ट साइड में, है ना, आप दिख रहे हैं ना। ये इस सिटी के बारे में मैंने बचपन से इतना सुना है, इतना मूवीज़ में भी देखा है, यू नो फाइनली इतने सालों के बाद मैं देख पा रही हूँ, यू नो आई एम लकी। मेरे को बहुत अच्छा लगा ये टेम्पल, यू नो सिटी भी बहुत अच्छी लगी मेरे को। इनफैक्ट यहाँ पे ना दशहरा के टाइम की वजह से हर जगह पे यू नो बनाना का जो स्टेम्स होते हैं, फ्लावर्स एंड देर आर लॉट ऑफ यू नो टॉय शॉप्स जो कि रखे हुए हैं वहाँ पे, सब खरीदने आ रहे हैं। मतलब रोड पूरा ना बिजी 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 है। फाइनली हम टेम्पल देखने निकल पड़े हैं। सो इस टेम्पल का जो एक्चुअल नाम है अरुलमिगु मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल। मीनाक्षी का मतलब पार्वती देवी एंड सुंदरेश्वर का मतलब लॉर्ड शिवा। सो अंदर दोनों टेम्पल होंगे, मीनाक्षी अम्मन टेम्पल एंड लॉर्ड शिवा टेम्पल। अगर आपको टेम्पल देखने जाना है देन यू हैव टू सबमिट ऑल योर बिलोंगिंग्स एट सिक्योरिटी डिपॉजिट। फोन्स अलाउड नहीं है। एंड टेम्पल का जो ये गोपुरम है ना, चारों तरफ सेम रहता है, सेम हाइट का एंड एग्जैक्टली मतलब कहीं पर भी बिल्कुल ज़रा सा भी डिफरेंस नहीं है। एंड हर गोपुरम का एक एक नाम दिया हुआ है, साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट करके। सो आपको ध्यान रखना होगा कौन से टावर से आप एंटर कर रहे हैं, ताकि जब आप बाहर आएंगे तो उसी टावर से आप बाहर आ सकते हैं। दशहरा के टाइम की वजह से वहाँ पर इतना ज़्यादा भीड़ था, बट जल्दी ही हमारा यू नो विद इन हाफ एन आवर 40 मिनट्स हमारा जो दर्शन है वो ख़त्म हो गया। सो ये नाइट टाइम ये गोपुरम अच्छा दिख रहा था बहुत सारा। हम अपना दर्शन ख़त्म करके बाहर निकल गए थे एंड ये टेम्पल ना किंग कुलशेखरा पांड्या उनकी पीरियड में ये बिल्ड किया है। ये इतने आइडेंटिकल एंट्रेंसेस होते हैं एंड जिस तरीके से अंदर पिलर्स भी बनाया हुआ है वो इतना सिंक्रोनाइज्ड हैं, मतलब
वो इतना अच्छा व्यू था, एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम आपको देखना चाहिए। ये एंट्रेंसेस भी ना चार होते हैं, वो बिल्कुल आइडेंटिकल। अगर यहाँ पे नाम नहीं देखूँ तो आप अंदर खो जाओगे, जिस तरीके से हम भी खो गए थे, कंफ्यूज्ड हो गए थे। सो इट वाज रियली रियली ब्यूटीफुल। हे, इट्स शॉपिंग टाइम। जैसे शॉपिंग टाइम का नाम सुन के ना मैं और मेरा बेटा इतना एक्साइटेड हो जाते हैं, और ये टॉयज को देख के वहाँ पे चिपक गया था, मेरे को चाहिए पापा मम्मी करके। हमने दो तीन शायद लेके वहाँ से निकल पड़े थे। आई थिंक मैंने कुछ नहीं लिया मदुरई में, मेरे हिसाब से, मेरे को याद नहीं है। सो उसके बाद हम क्या कर रहे थे याद नहीं आ रहा। हाँ याद आया, ये तो हमने प्रसाद अंदर से लेके आए थे टेंपल के अंदर से, पापा पापा इतना अच्छा था। मैं और दो ले आए थे, गलत मत समझना, मैं इतना खाती नहीं हूँ, बट क्या करूँ, लेके आए थे खाने के लिए। अभी हम खाना खाने आए हैं एक लोकल रेस्टोरेंट, जहाँ पे आपको दोबारा बनाना लीफ मिल गया और मेरा दिल खुश हो गया। सो इस बार हमने अपना पूरा जर्नी पे वी ऑलवेज प्रिफर्ड यू नो ऑथेंटिक फूड एंड लोकल रेस्टोरेंट जाने के लिए। सो आप देख सकते हैं छन्नी का प्लेट में छोटे छोटे परोटास हैं, वो इतना सॉफ्ट थे, इतना मुलायम था। बट मैंने तो अपने लिए इडली मंगवाया एंड सुयुष के लिए तो मैंने प्लेन डोसा मंगवाया। सो जैसे कि मैं आपको जब आएगा तो मैं आपको दिखा दूँगी, बट सन्नी का तो खाना देखिए, उसका परोठा और आलू का कुछ ग्रेवी का सब्जी था, देखने में इतना यम लग रहा था, बट वाकई बहुत अच्छा था वहाँ पे खाना। खाना यहाँ का वाकई में बहुत टेस्टी था। हम अपना डिनर करके नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़े थे। हमारा ये जो जर्नी एक्सपीरियंसेस हैं मदुरई का, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय, टेक केयर।